हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सीएस पायल पोपली और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कैटल इंश्योरेंस। सी, इन माय प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के इंश्योरेंसेस के बारे में बात की। हमने लाइफ इंश्योरेंस देखा, हमने उसके टाइप्स कवर किए, उसके बाद हमने जनरल इंश्योरेंस में दो तीन इंश्योरेंसेस देखे। अब हम देखने जा रहे हैं कैटल इंश्योरेंस, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने उसी टाइम दे दिया था जब हमने वो फ्लो चार्ट पढ़ा था अबाउट डिफरेंट इंश्योरेंसेस। लेकिन यहाँ पर हम डिटेल्ड वे में जानेंगे कि कैटल इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है, वो किसके द्वारा लिया जाता है, उसको क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या रिटर्न में से देना पड़ता है। ओके, सो जैसे बाकी सारे इंश्योरेंस में होता है कि आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, एक प्रीमियम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी वालों को देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सिनेरियो सेम ही है, जो भी इंसान इंश्योरेंस लेगा वो प्रीमियम अमाउंट पे करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कैटल इंश्योरेंस मतलब ये समवट कैटल से रिलेटेड है। बिल्कुल कैटल से रिलेटेड है। तो कैटल खुद जाके अपने लिए इंश्योरेंस लेंगे तो क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। उनके बिहाफ पे कौन इंश्योरेंस लेके आएगा? जो उनका मालिक होगा। फॉर से एक इंसान के पास बहुत सारी कैटल्स हैं और उसको चाहिए कि वो उन कैटल्स की प्रोटेक्शन के लिए, लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस ले, तो वो किस तरह का इंश्योरेंस लेता है? वो कैटल इंश्योरेंस लेता है। सी दिस सिनेरियो, ये एक इंसान था, इसके पास बहुत सारी कैटल्स थी। अब क्या हुआ, ये इन कैटल से जो मिल्क प्रोड्यूस होता था उस मिल्क को बेच के घर घर में जाके अपने लिए पैसे कमाता था। तो मतलब क्या हुआ, इन कैटल से वो अपना लाइवलीहुड अर्न करता था। तो ये अपना लाइवलीहुड अर्न करता है कैसे? कैटल्स की हेल्प से। तो मतलब इसके लिए कैटल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। अब देखिए क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इसकी कैटल्स मरने लग गई। मतलब कोई लोकल बीमारी फैली जिसके चलते चलते एक कैटल से दूसरी कैटल को इन्फेक्शन हुई, दूसरी से तीसरी को हुई, तीसरी से चौथी को हुई, और एज अ रिजल्ट ऑफ इस आहिस्ता आहिस्ता सारी मरने लग गई। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके लाइवलीहुड का क्या होगा, ये कैसे अपने लिए लाइवलीहुड अर्न करेगा, व्हेन जिस चीज़ पे ये डिपेंडेंट था वही क्या होती जा रही है, मरती जा रही हैं। तो इसको तो बहुत बड़ा हो गया क्या लॉस। अब ऐसे लॉस को वो कैसे बेयर करेगा? तो उसका आंसर है कैटल इंश्योरेंस। क्या करेंगे कैटल इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बेसिकली क्या करेगी, वो जिस भी इंसान ने कैटल इंश्योरेंस लिया होगा, अगर उसकी कैटल मरना स्टार्ट हो जाती है तो जितना भी उसको लॉस होता है वो लॉस को बेयर करवाती है, कॉम्पेंसेशन देने का काम करती है। तो मतलब यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, हम अपने लिए कोई इंश्योरेंस लेते हैं, अगर हम मर जाते हैं तो हमारी फैमिली मेम्बर्स को क्या मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने इंसानों का इंश्योरेंस ना लेके किसका इंश्योरेंस लिया, कैटल्स का इंश्योरेंस लिया है। जैसे ही आप कैटल्स का इंश्योरेंस लेंगे, अगर वो मरने लग जाएंगे तो उसको कॉम्पेंसेशन किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो बेसिकली कैटल्स मरेंगी, उसका इंश्योरेंस किसको मिलेगा, आपको, जिस इंसान ने उसका इंश्योरेंस लिया होगा। फिर किस किस के लिए ये है, मतलब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कैटल्स में हम किस किस को काउंट करते हैं। तो वहाँ पे हम काउंट करते हैं बल्स को, काउस को, बफेलोस को, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ वेरी जनरल फिनोमेना जो रूरल एरियाज़ में चलता है। स्पेसिफिकली अगर हम बोले नॉर्थ वाली साइड में जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कैटल उस पर डिपेंडेंट होते हैं, या तो वो क्रॉप प्रोडक्शन में डिपेंडेंट होते हैं या फिर वो कैटल वालों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा जाने वाली कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर अगला बंदा ये ऐसा लेके रखता है, क्योंकि सबको पता चल गया कभी भी कोई भी इन्फेक्शन आएगा, कभी भी कोई भी बीमारी आएगी, तो उनका कैटल उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से उनको अल्टीमेटली लॉस बेयर करना पड़ेगा। और जनरली ऐसा भी देखा जाता है, जो भी फार्मर है वो एक तो क्रॉप प्रोडक्शन से अपने लिए पैसे कमाता है, और ऑन द अदर साइड वो क्या करता है, वो अपनी पार्ट टाइम इनकम के लिए कैटल्स भी अपने घर में ज़रूर रखता है, जिसके मिल्क को प्रोड्यूस करके, मिल्क को बेच के वो क्या करता है, अपने लिए पैसे कमाता है। इवन कैटल्स के खुद के प्राइजेस इतने हाई होते हैं कि अगर आप उनको बेचने वाला काम भी करो तो भी आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो।
सो यहाँ पे कौन कौन से कैटल्स इंक्लूडेड हैं? बुल्स, काउस एंड बफेलोज. अब ये बोलता है क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, मतलब बेसिकली क्या होगा उनको जिसकी वजह से आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा. तो फर्स्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनकी डेथ होती है, तो वो अगर मर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? कॉम्पेंसेशन मिलता है. और दूसरा क्या? उनका एक्सीडेंट होता है. मान लीजिए उनका हाथ पैर टूट गया या कुछ और बीमारी हो गई या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो अब इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे, तो दोनों ही सिनेरियो में क्या हो जाएगा? आपको कैटल इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा. किससे मिल जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा. ओके, अगेन वी आर डिस्कसिंग इट. कैटल इंश्योरेंस मतलब बेसिकली उस तरह का इंश्योरेंस जो कैटल्स पे लिया जाता है. क्यों? क्योंकि आपका लाइवलीहुड उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है. आप कुछ ना कुछ उनकी हेल्प से कमा रहे होते हैं. वो आपके लिए क्या होते हैं? प्रोडक्टिव होते हैं. आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट छुपा होता है, आपका पेक्यूनरी इंटरेस्ट छुपा होता है. तभी आप जाते हैं और आपके लिए अपने लिए क्या लेके आते हैं, मतलब अपने कैटल्स के लिए क्या लेके आते हैं? कैटल इंश्योरेंस लेके आते हैं. हर कोई नहीं लेता ऑब्वियसली. कौन लेगा? जिसके यहाँ पे कैटल्स होंगे. फिर उसके बाद किस किस के लिए दिया जाता है? बुल्स, काउस, बफेलोज के लिए दिया जाता है. एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए, दोनों ही सिनेरियो में आपको क्या मिलेगा? कैटल इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा. इसके अलावा और बहुत सारे हमारे अभी जनरल इंश्योरेंसेस रहते हैं जिसको हम फर्दर वीडियोस में कवर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. एंड इफ़ यू हैव एनी नोट्स और एनी डाउट्स और रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स ले सकते हैं. वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. थैंक यू.